हेलो एवरीवन, मैं हूँ पुष्पलता और आप सभी का पुष्पलतास फ्लेवर पर स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पालक से बने हुए नाश्ते की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और साथ ही साथ बहुत ही हेल्दी होता है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप बारीक कटा हुआ पालक, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 कद्दूकस किया हुआ गाजर, 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और आधा कप कटा हुआ हरा धनिया। इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है आधा छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन डालने से पहले इसे हाथों से अच्छे से मसल लें। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 कप सूजी। सूजी यहाँ पर मैंने बारीक वाली ली है। अब इसके अंदर डाल देंगे बेसन। बेसन यहाँ पर मैंने 1.5 कप डाला है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पर मैं 1 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब बिना पानी डाले हुए पहले हम सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें बेसन थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा बेसन और मिला रही हूँ। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। घोल बनकर तैयार हो गया है। अभी हमें इसे इतना गाढ़ा ही रखना है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे ताकि बेसन और सूजी अच्छे से घुल जाए। 5 मिनट बाद घोल अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसके चिल्ले बनाना शुरू करेंगे। इसे बनाने के लिए मैंने गैस पर एक फ्राई पैन चढ़ा दिया है और इसमें थोड़ा सा तेल डालकर इसे अच्छे से फैला लिया है। अब तैयार किए हुए घोल में से मैंने लगभग 1.5 चम्मच घोल ले लिया है और इसे फ्राई पैन पर अच्छे से फैला दिया है। इसे चारों ओर से एक समान फैला देंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं फैलाना है, इसे हमें हल्का मोटा ही रखना है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए नीचे से पका लेंगे। हमें इसे धीमी आंच पर पकाना है। थोड़ी देर पकाने के बाद इसका ऊपर से कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें किनारों में थोड़ा सा तेल डाल देंगे जिससे कि ये नीचे से और अच्छे से पक जाए। थोड़ा सा तेल हम इसके ऊपर भी डाल देंगे और तेल डालने के बाद इसे पलट देंगे। पलट कर इसे हम दूसरी साइड से भी अच्छे से क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। इसे हमें धीमी आंच पर पकने देना है जिससे कि ये नीचे से भी अच्छे से पक जाए। चिल्ला दोनों साइड से अच्छे से पक चुका है, ये बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें और इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।